गाइस कैसे सब लोग, होप सब बढ़िया होंगे। आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो वैसे आज की वीडियो हमारे बाइक से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टायर हेवन इंस्टॉल, और चीप प्राइस में हमें ये फ्लिपकार्ट से मिला है। तो उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और उसकी इंस्टॉल भी करेंगे अपनी बाइक में आज। तो कुछ अपना पार्सल इस टाइप का देखो, ये है अपना, इसमें अपना टायर वगैरह आया हुआ है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखा करो, अपना सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस अब हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलो करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं इसको कैसा अपना टायर वगैरह आया है, और मतलब क्वालिटी वगैरह कैसी होगी इसकी, और इसमें क्या क्या हमें अंदर मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस कुछ ऐसा है हमारा टायर ह्यूगर, और इसकी अभी इसको खोल के देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसे होने वाली है। गाइस हमारे जहाँ पे हमारा पीछे वाला टायर लगता है ना, एक्सल में लगेंगे ये, और दो तीन पत्ती और दी हैं, देखते हैं जो भी कैसे लगेंगे, देखेंगे इसको बाद में। और ये कुछ स्क्रू हैं इसके, चलो उनको बाद में देखते हैं, पहले करते हैं हम अपने टायर ह्यूगर की अनबॉक्सिंग। सबको रखते हैं साइड में, और गाइस कुछ ऐसा होने वाला है अपना टायर ह्यूगर। देखो गाइस क्वालिटी वाइज तो मेरे को ठीक ही लग रहा है, प्लास्टिक वगैरह भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब जैसा नहीं लग रहा है कि भाई टूटने वाला प्लास्टिक है या कुछ भी है। वाइस क्वालिटी वाइज तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और देखो इसके साथ थोड़ी एक्सेसरीज हैं ये भी इसमें लगेंगी। तो गाइस हमें इसमें स्क्रू मिले हैं, वो सारे एल की स्क्रू हैं। आगे निकलते हैं बाइक के पास और इसको इंस्टॉल करवाते हैं, और दिखाते हैं आपको कि आफ्टर इंस्टॉल कैसा लगने वाला है, और इसको इंस्टॉल भी करना बहुत ईजी है। तो दिखाएंगे कैसे इंस्टॉल होगा, और चलो वीडियो के साथ बने रहें। तो मिलते हैं आपको। तो गाइस हम यहाँ पे बाइक के पास आ गए, और थोड़ा प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है। इन पत्तियों को इंस्टॉल कर रहे हैं, जो ये वाली पत्तियाँ हैं, फिर देखते हैं इनका थोड़ा साइज आउट लग रहा है, देखते हैं क्या सीन होता है। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि इसको इंस्टॉल नहीं हो पा रहा ढंग से, पर चलो भाई ने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कर ही दिया। देखो इंस्टॉलिंग के बाद कुछ ऐसा लग गया भैया, रोबोट की तरह लग रहा है। और अब भाई यहाँ पे टायर खोल रहे हैं। अपनी दुकान शिफ्ट कर रहे थे भाई, मना कर रहे थे भाई आज काम नहीं होगा, आज काम नहीं होगा, पर चलो जबरदस्ती करके हमने भाई से काम करवा ही दिया है। भाई सेक्सी लग रहा है भाई, देखो हाँ ये चीज होनी थी इसकी, वैसे भी ऊपर हाँ ऊपर होनी थी। सो गाइस हमारा टायर ह्यूगर लग के हो गया रेडी। रेडी तो गाइस सुबह का हो गया था, तो अभी आप देख रहे हो टी शर्ट वगैरह चेंज है। थोड़ा टायर वगैरह इंस्टॉल करने के बाद मुझे थोड़ा काम आ गया था, तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा वीडियो की एंडिंग कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई अपना टायर ह्यूगर कैसा लग रहा है। उसमें थोड़े बहुत स्टिकर भी लगवा दिए हैं, और भाई साहब क्या बताऊँ, सेक्सी लग रहा है पर अपने टायर। और अभी थोड़ी बारिश हुई थी, उसकी टेस्टिंग भी कर दी, पानी ऊपर तक आ रहा है नहीं आ रहा है, और भाई और रिजल्ट एकदम सक्सेसफुल रहा, तो मतलब सही प्राइस में मेरे को चीज़ अच्छी मिल गई, सब वसूल हो गया गाइस, ऐसा नहीं हुआ कि पैसा वेस्ट गया। तो चलो आपको दिखाते हैं भाई कि कैसा अपना टायर ह्यूगर लग रहा है, और लुक वाइज कैसी सेक्सी लग रही है भाई अपनी बाइक। अपना टायर ह्यूगर भाई क्या सेक्सी लग रहा है, और नंबर प्लेट देखो भाई हमने गायब कर दी हुई है पुलिस से बचने के लिए। मैं सोच रहा हूँ ये मैं इसको नंबर प्लेट का कवर खोल दूंगा, क्योंकि नंबर प्लेट थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसको हम रिमूव कर देंगे।
और खाली नंबर प्लेट लगाएंगे। चलो घर जाके देखेंगे क्या होगा। और जिस टाइम भाई बाढ़ आई थी तो यहाँ पे तो भाई पूरा पानी पानी था, देख सकते हो आप सिचुएशन। और मैंने सोचा यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चली है तो थोड़ा ब्लॉग यहीं पे शूट करते हैं, थोड़ी बहुत रील्स भी मेरे को बनानी थी बाइक की। तो गाइस सिनेमैटिक शॉट्स चेक करो भाई अपने शार्क के। तो यहाँ पे मैंने इसका लगवाया हुआ है और यहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी लिखवाई है। तो भाई जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और कोई ऑप्शन नहीं मिल रही थी इसमें क्योंकि मतलब बिना स्टिकर के भाई कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा चलो स्टिकर लगवा देते हैं। और अभी यहाँ पे अपने यूट्यूब का नाम भी आएगा ऊपर जाके, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई जिसको भी अगर इसको बाय करना है ना और इसके लिए जा सकता है भाई, क्योंकि बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है और बेटर ऑप्शन है आप सबके लिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो करते हैं आज की वीडियो यहीं एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।